अस्सलामुअलैकुम जे फॉर न्यूज़ के साथ मैं हूँ नमरा मुगल। मैं मौजूद हूँ आज कराची के इलाके न्यू कराची सिंधी होटल पर। यहाँ पर हम आवाम की राय लेने के लिए आए हैं कि उनका महंगाई के हवाले से क्या ख्याल है। हर चीज़ महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई है, समझ लो कि उसके लिए तो बनना ही मुश्किल हो गया। इतने हालात ख़राब हो गए, इतनी महंगाई हो गई, हर इंसान परेशान है। ये गरीब आदमी किस तरीके से गुजारा कर रहा है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का ख्याल करें, गरीबों की दुआएँ लें, बद दुआएँ ना लें। जो आता है बातें बिल कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा बिल और 2 रुपये मजीद महंगी हो जाएंगे। हाँ, बेरोजगारी काम है नहीं, काम के पैसे बढ़ते नहीं हैं और तनख्वाहें उनकी बढ़ जाती हैं, गवर्नमेंट की, प्राइवेट वालों की तनख्वाह नहीं बढ़ती। आवाम जितना जो शोर करती है ना महंगाई का, आवाम खुद महंगाई करती है, गवर्नमेंट नहीं करती है। अगर गवर्नमेंट 5 रुपए बढ़ाती है, आवाम 50 रुपए बढ़ा देती, फिर इमरान खान को बदनाम करते हैं। क्या आवाम किस तरह महंगाई बढ़ा रही है? आवाम इस तरीके से महंगाई बढ़ा रही है। हमारा जो जहन है ना आवाम का, वो ये बन गया है कि अगर हम 1000 की पेटी ला रहे हैं ना, तो हम उसको 2000 की बेचते हैं। यूँ महंगाई हो रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत वाकई में किराए भी इतने महंगे हो रहे हैं, चीज़ें इतनी महंगी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। और क्या होगा महंगाई से? महंगाई ने तो पूरा हाल कर दिया है, लोगों का जीना हराम हो गया, दो वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो रही है। महंगाई ने तो ये हाल कर दिया है, अल्लाह ताला रहम करे बस। समझ जी, वो चोर थे, डाकू थे, वो पहले हुकूमतों वाले नवाज शरीफ को पूरा बुरा भला कहते हैं, वो उसके दौर में इतनी महंगाई तो नहीं थी, आवाम को फिर भी सुकून था। इमरान से बोलो सस्ताई करे, गरीबों को बेचारों को कैसे गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। किराए पे लोग रहते हैं, कैसे खाएंगे, कैसे देंगे, किराया देंगे या खाएंगे? किसको कहें, हुक्मरानों को कहें या इन बेचारों को कहें? या आप बाहर निकलें, आपने अंदाज़ा किया, अब हम क्या कह सकते हैं, हर जगह महंगाई है। हम इन लोगों को रोएं या हुक्मरानों को रोएं, आप खुद बताइए क्या किया जा सकता है, क्या बोला जा सकता है। आपके चैनल की तो रेटिंग हो जाएगी अच्छे तरीके से, ठीक है ना, मगर हम किस किस को बोलें? यहाँ पर गोश्त वालों को बोलो, चिकन वालों को बोलें या ये सब्ज़ी वालों को बोलें? अगर आपको यहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचाना है ना, तो आप यहाँ पर आके इन सब लोगों को ना रोएं, हुक्मरानों को रोएं, ठीक है ना। अब ये समझ में आने वाली बात है कि हम किस किस मोहल्ले में और किस किस जगह जाकर अपने रोना रोएंगे। कच्चे टमाटर जो 200 रुपये किलो दे रहे हैं, 180 रुपये किलो दे रहे हैं, क्या लें आप? महंगाई वाले से क्या कहना सर आप? महंगाई के हवाले से ये कहना है कि 72 साल से लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और अब जो है ये बर्दाश्त करना चाहिए उन्हें, क्योंकि जो 72 साल लोग खराबी पैदा करके गए हैं, ये अकेला आदमी उसको सही नहीं कर सकता, तो लोग बर्दाश्त करेंगे। वो भी 72 साल लोग हम ही लोगों को खा के गए, ये हम ही से लेके उनको सीधा कर रहा है। लोगों के पास पैसा है लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज FBI पीछे आके खड़ा हो जाता है। बहुत सारी इल्लीगल चीज़ें चल रही हैं जिनको सीधा करना चाहिए हमें, और ये इसी तरीके से सीधी होंगी। हमें तकलीफ होगी लेकिन उसके बाद जो है आगे शायद अल्लाह बेहतर जानता है क्या नसीब में लिखा है, लेकिन बेहतरी आ सकती है। टमाटर हमने 20 रुपए का भी ख़रीदा है और अब टमाटर जो है 380 रुपए का है। महंगाई के हवाले से तो देखें अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि देखें इमरान खान जब आया था तो उसने कहा था कि मेरे साथ 2 साल आप गुजार लो, उसके बाद जो भी मामलात हैं वो फिर आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे कि मामलात के कहाँ तक जाएंगे। तब्दीली तो नहीं आई है, लेकिन ये है कि गरीब आदमी के लिए थोड़ी परेशानी आ गई है, तो जाहिर बात है कि वो चीज़ें कैसे हैंडल करेगा। अगर वो 500 रुपये रोज़ पर कमाता है तो मेरे ख्याल में तो बहुत मुश्किल है उसके लिए अफोर्ड करना। जाहिर बात है बच्चों की फ़ीस हैं और घर के मसले हैं, अगर कहीं शादी किया जाना है तो वो एक अलग मसला है, तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर इमरान खान को चाहिए कि थोड़ा गरीबों के लिए भी ख्याल करें और थोड़ा हल्का हाथ रखें। इमरान खान ने तो बड़ा तब्दीली आई है कि लोगों के तरों में बोझ डाल दिया इन्होंने, और घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा, सैलरियाँ इतनी है नहीं, तनख्वाहें इतनी है नहीं, और वसाइल इतने डाल दिए जिसकी को हटनी, टैक्स भर भर के इंसान पूरा हो गया। हुकूमत से यही कहना चाहेंगे कि अपनी जो है महंगाई जो आपने करी है उसको दोबारा उसी सेटिंग पर लेकर आ जाए जो पहले थी। Thank you.
कराची में आवाम का जायजा लिया। आवाम शदीद परेशान है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। अगली बार एक अगले नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।